वेलकम आप सबका। एंड मेरा एक बचपन का सपना रहा है कि लाइक मुझे उड़ना था, एंड हम लोग एक्चुअली उड़ तो नहीं सकते, बट मैंने उस टाइम पे फ्लिप्स करना स्टार्ट किया था एंड मुझे उस चीज़ से वो किक मिली कि मैं उड़ सकता हूँ करके। एंड मैंने उसी टाइम पे एक और चीज़ डिसाइड किया था कि लाइक मुझे एक टैटू बनवाना है जो कि एक ईगल का एक विंग होगा। एंड मैंने उस टाइम पे कुछ वो टैटू नहीं बना पाया था, कुछ रीजंस थे, एंड कुछ 5 से 6 सालों के बाद फाइनली मैंने वो टैटू बनाया। क्योंकि पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच गए, बस रनिंग करते करते मज़ा आ रहा है। एंड जहाँ पे मैं आ रखा हूँ ये कुछ पता नहीं। एंड बाय द वे ये मेरा पहला टैटू था, एंड देन ये सेकेंड टैटू एक्चुअली जो मैंने विंग का बना रखा है, एंड स्टिल अभी तक ये रिकवर नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है एंड हम लोग इसको बस रिकवरी का थोड़ा वेट कर रहे हैं। एंड ये 1 हफ्ते से मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस रेस्ट किया है एंड इसका मैंने वेट किया है कि ये रिकवर हो जाए, देन उसके बाद हम अपना फिर से डेली शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। एंड बाय द वे अगर एक्सपीरियंस में अगर बताऊँ कि ये मेरा टैटू बनाने का मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली कैसा था, सोचो कि आपके हैंड्स में कुछ जो बारीक बारीक नीडल्स होती है वो नीडल्स कंटिन्यूसली 6 to 7 hours तक टप 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 करता जाएगा, तो वो दर्द एक्चुअली टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग पीरियड में एक्चुअली जो मैंने ये टैटू बनाया था पीस जो मैंने लिखाया था ये उतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ था एक्चुअली, जो कि मैंने गोवा में बनाया था। एंड देन सेकेंड टैटू जो एक्चुअली जो मैंने ये बना रखा है ये 1 hour तो चलो ठीक है मैंने सह लिया, 2 hours तक मैंने सह लिया, 3 hours से धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हुआ एंड ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया। एंड एक टाइम एक्चुअली गाइस ऐसा आया था कि लाइक मैंने उस टाइम पे कुछ अपने एयरपॉड्स मतलब अपने मैंने एयरफोन अपने कानों पर लगा लिए थे एंड मैं म्यूज़िक सुन रहा था ताकि मेरा ध्यान भटके एंड मेरे हाथ में एक्चुअली जो हो रहा है बस वो होने दो, तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। एंड उसके थोड़े से मेरे पास कुछ BTS है, अब वो इंजॉय करो। एंड उसके बाद आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ ये टैटू के पीछे, एंड मैंने ये क्यों बनाया एंड मैं ये टैटू क्यों बनाया। कमेंट में कोई मत बोलना कि मैंने ये उल्टी टी शर्ट पहन रखी है, या जानबूझ के मैंने उल्टी टी शर्ट पहन रखी है बिकॉज ये एक्चुअली जो सीधी टी शर्ट है यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉन्ट है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एंड मैंने उसे उल्टा करके इसलिए पहना है ताकि ये प्लेन टी शर्ट बन सके, जुगाड़। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, सपोज आप एक 15 साल के लड़के हो एंड आप धीरे टाइम के साथ आप धीरे धीरे आपकी एज बढ़ेंगी एंड जब आप अगर एक 18 साल के जब एक लड़के बन जाते हो मतलब कि एक 15 साल से लेके जब 18 साल के टाइम पीरियड में एक्चुअली जो आपके थॉट्स है तो थॉट्स एक्चुअली जो चेंज होते हैं लाइक अपने अगर 15 साल के एज में अपने एक टैटू बनवा लिया एंड आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, जब अगर 18 साल के जब होते हो तो उस टाइम पे आपके थॉट्स वही एग्जैक्टली नहीं होते हैं, बट एक टैटू को लेके आप जब अगर 15 साल के जब एज में अपने टैटू एक बनवाया है एंड आपके थॉट्स एक्चुअली जो टैटू को लेके जो है आपके लिए वो टैटू जो मैटर करता है, अब एक 18 साल के एक लड़के भी जब हो रहे हो तो तब भी आपके लिए वो थॉट्स एक्चुअली उस टैटू के लिए वही रहना चाहिए एंड वो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, लाइक वो कुछ पछतावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड अपने अगर सोच ही लिया कि मुझे अगर टैटू अगर बनवाना है तो आप थोड़ा सा जाओगे एक इंटरनेट पर सर्च करोगे एंड वहाँ पर तो देखोगे कि मैं कौन सा डिज़ाइन वगैरह बनाऊँ, तो वो ना बनाते हुए उससे बहुत ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए एंड थोड़ा सा सोचिए एंड खुद को समझिए कि मैं लाइक मुझे क्या पसंद है, मेरे थॉट्स क्या है, तो उससे रिलेटेड आप अगर एक टैटू को जो बनवाते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रहेगा। बिकॉज ये टैटू एक्चुअली जो अभी बन चुका है ये मेरे ओल्ड एज होने तक ये टैटू मेरे साथ में रहने वाला है, तो हमेशा जब मैं अगर मॉर्निंग में उठता हूँ तो ये मुझे मेरे फ्लिप्स के लिए मोटिवेट करेगा एंड लाइक मुझे और आगे बढ़ने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये टैटू एक्चुअली जो मैंने पहला टैटू बनवाया है एंड देन सेकेंड टैटू एक्चुअली जो मैंने बनाया है ये दोनों टैटू से मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं अभी भी खुश हूँ। एंड जब मैं आगे जाके कुछ अगर बड़ा भी होता हूँ लाइक मुझे अभी 2-3 साल अगर बीत जाते हैं तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। वन मोर थिंग गाइस, एक्चुअली जो मैंने ये पहला टैटू बनवाया है एंड देन ये सेकंड टैटू एक्चुअली जो मैंने बनाया है एंड मेरा अभी दिमाग में एक थर्ड टैटू भी आ चुका है,